हेलो एवरी वन, वेलकम टू सी बी एस ई अड्डा 2.0। माई सेल्फ धैर्य पांडे फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड एंड आई एम स्टडिंग इन इंजीनियरिंग कॉन्वेंट स्कूल चनिया चंदौली। एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टू यू। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी होल पावर एक्स ए पावर ए की पावर टू प्लस ए बी प्लस बी पावर टू, ऐसे करके पूरा है इसको। तो इसके वैल्यू पूछा है क्या है, तो निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन को पहले ही लिख लिया ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। इसके बाद क्या करना है, हम लोग को पता है कि अगर ए पावर एम अपॉन ए पावर एन है, तो हमें पता है कि ए पावर एम माइनस एन होता है, मतलब कि दो अगर बेस सेम है और डिवाइड में है, बेस सेम हाँ है और डिवाइड में है, तो यहाँ पे एम और एन है, तो एम माइनस एन हो जाएगा। जो ऊपर वाला है नीचे वाला माइनस में होके ऊपर चला जाएगा। तो इसी के बेसिस पे हम लोग को यहाँ पे करना होगा कि एक्स के पावर में ये जो ए और बी है, तो ए ऊपर का रहेगा ही, ए इन सबको ब्रैकेट में डाल दो सबसे पहले, तो ए और ए तो ऊपर रहेगा, पर ये बी है जो ऊपर जाएगा माइनस में, माइनस बी। अब सीधा हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, यहाँ बी ऊपर है सी नीचे है, तो ऊपर जाकर बी माइनस सी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी माइनस सी। अब यहाँ पे पहले से ही है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा एक्स, सी है ऊपर और ए है नीचे, तो सी ऊपर रहेगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, सी माइनस ए, और ये पहले से ही है यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये पहले से ही सी ए प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे पहले से ही है ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ देखने को मिला होगा कि तीनों जगह इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी ऊपर एक आइडेंटिटीज़ दिख रही होगी, मतलब कि एक आइडेंटिटीज़ एक्सपेंडेड दिख रही होगी, तो उसको हम लोग खोजना होगा। तो सबसे पहले कौन सी आइडेंटिटी है, यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे, और यहाँ मिल रहा है बी क्यूब माइनस सी क्यूब, वहाँ मिल रहा है सी क्यूब माइनस ए क्यूब, क्योंकि यही ना होता है इक्वल्स, यहाँ पे होता है, इसका मतलब होता है कि ए माइनस बी और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, और इसमें अगर बस यही ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी इसी को चेंज करेंगे हम लोग, तो ये भी आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस सी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ऐसे करके तीसरा वाला भी, बस ये जो ए बी ए और बी है उसकी जगह बी सी और सी और ए हो जाएगा, उसी की जगह ये चेंज हो जाएगा। तो इसको डिलीट करते हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे भी हमें वही मिल रहा है, तो हम लोग वही कर लेते हैं। एक्स की पावर में यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू यहाँ पे भी हो जाएगा एक्स की पावर में बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे हमें मिल रहा है बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब यहाँ पे नेक्स्ट में भी हमें वही मिल रहा है एक्स की पावर सी और ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे सी और ए के टर्म में है वही चीज़ है, पर बस वेरिएबल्स अलग अलग हैं, तो यहाँ पे सी क्यूब माइनस ए क्यूब मिल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है हमें, बेस सेम तीनों का एक्स 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 और मल्टीप्लाई में भी है तीनों, तो यहाँ पे फिर इसको क्या करना होगा हम लोगों को, तो यहाँ पे पावर ऐड जाएगी, हम लोग को पता है कि ए पावर बेस सेम है एन इंटू ए पावर एन इंटू ए पावर एक्स वाई जेड जो भी हो, तो ए पावर एम प्लस एन प्लस एक्स हो जाएगा, तो इसी को हम लोग इसी बेसिस पे यहाँ पे हम लोग करेंगे इसी लॉ के बेसिस पे, तो यहाँ पे एक एक्स ले लेंगे, फिर पूरे पावर्स को ऐड कर देंगे, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अभी हमें यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसल, यहाँ पे माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब कैंसल, माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब कैंसल, यहाँ पे हमारे पावर में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा सिर्फ हमारे पावर में एक्स पावर ज़ीरो। हमें पता है कि किसी भी चीज़ के पावर में अगर ज़ीरो होता है तो उसकी वैल्यू वन होती है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा वन, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही है वन। एक बार और मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से कि एक्स पावर यहाँ पे बस हमने क्या किया कि इसको ऊपर ले गए बी को, तो यहाँ हो गया ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही हम लोगों ने तीनों का किया। फिर यहाँ पे हमें ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी मिली, तीनों में अलग अलग आइडेंटिटी। फिर तो बेस सेम था, हमने पावर को ऐड किया, तीनों पावर को ऐड करने के बाद सब कुछ कट गया, पावर बचा जीरो। एक तो किसी भी चीज़ की पावर में अगर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू वन आती है, हमें पता है, इसलिए इसके आंसर आ गया वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या है कि एक्स पावर ए माइनस बी होल पावर ए प्लस बी, फिर एक्स पावर बी माइनस सी होल पावर बी प्लस सी, ऐसे करके एक पूरा क्वेश्चन है और उसका वैल्यू हमें पूछा है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, वही चीज़ है पर उसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगी थी और इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग पावर एक, यहाँ पे ए पावर एम और होल पावर एन होता है, तो हमें पता है कि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ए पावर एम एन हो जाती है। तो यहाँ पे एक्स पावर हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा इंटू एक्स पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब यहाँ पे तीनों जगह हम लोग को मिल रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो उसे हम लोग लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी ए सी का होता है, बी माइनस सी बी प्लस सी बस वेरिएबल चेंज कर दिया है, सी माइनस ए और सी सी प्लस ए वो यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दिया है, बस वही चीज़ है ए बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर अलग अलग वेरिएबल के फॉर्म में है। यहाँ पे भी तीनों बेस सेम है तो और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक्स पावर जीरो ही बस है पिछले क्वेश्चन की तरह, जो कि आंसर आ जाएगा जिसका कि हमारे पास वन। पिछले क्वेश्चन में भी हमारा वन ही आया था, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में भी हमारा वन ही आया था और इस क्वेश्चन में भी हमारा वन ही आया। इसको भी मैं एक बार जल्दी से दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन दिया था हमें एक्स पावर ए माइनस बी फिर होल पावर ए प्लस बी, एक्स पावर बी माइनस ए होल पावर बी प्लस सी, फिर एक्स पावर सी माइनस ए होल पावर सी प्लस ए। हमने क्या किया कि पावर को मल्टीप्लाई किया, ए पावर एन एम होल पावर एन होता है, हमें पता है कि ए पावर एम इन टू एन होता है, तो हमने पावर को मल्टीप्लाई किया तो हमें हर जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी मिली। हमने क्या किया कि तीनों को आइडेंटिटी के रूप में लिखा, फिर हमें मिला तीनों का बेस सेम, तो हमने पावर को ऐड किया, पावर ऐड करने के बाद प्लस माइनस से सारा वेरिएबल कट गया और उसके बाद हमारे पास बस बचा जीरो, तो एक्स पावर जीरो इक्वल टू वन, ऐसे हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन अगर हो सके तो होमवर्क में आप लोग कर लीजिएगा और कमेंट में अगर आए तो आंसर इसका कमेंट डाउन कर दीजिएगा। थैंक्स, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।